गाइस, जहां मधुबाला बॉलीवुड में शोहरत व धन दौलत कमाकर बुलंदियों में रही, परंतु 36 वर्ष की आयु में ही उसे संसार फानी से कूच करना पड़ा, वैसे ही उसी जमाने की एक मशहूर अभिनेत्री के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ गाइस, कि उसके पास शोहरत धन दौलत बहुत कुछ था, बेशुमार था, लेकिन शादी जो थी वो बड़ी कटुता पूर्वक निकली और हेल्थ ने भी साथ नहीं दिया, और 40 वर्ष की आयु में गाइस उसको भी इस जहान से अलविदा कहना पड़ा। वह थी मीना कुमारी। जी हाँ गाइस, मीना कुमारी। उसको ट्रेडी क्वीन का खिताब क्यों मिला, जीवन दुखी भरा क्यों रहा, मरने की वजह ज़्यादा शराब, ये सब जानते हैं, लेकिन वो उसने शराब क्यों, कैसे और किस स्थितियों में शुरू की और कैसे बढ़ी और क्या थी उसकी कंपनी, धर्मेंद्र को उनका बेवफा दोस्त क्यों कहा जाता है, ये सब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के एंड तक। और गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। सत्श्रीकाल, नमस्कार, आदाब गाइस, चर्दी कला में हो, चर्दी कला में ही रहना चाहिए गाइस। तो हाँ गाइस, 1 अगस्त 1932, जी हाँ, 1 अगस्त 1932 को मीना कुमारी का जन्म मुंबई में हुआ था। उसका असल नाम महजबी था, जबकि फिल्मी नाम मीना कुमारी रहा। बेबी मीना के नाम से ही गाइस उसने बाल कलाकार के रूप में फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। हीरोइन बनने पर उसका नाम मीना कुमारी रख दिया गया। गाइस, मीना कुमारी के पिता अली बख्श जो है वो पारसी थिएटर में म्यूजिक बजाते थे, जबकि उसकी माता प्रभावती, जिनका निकाह के बाद नाम इकबाल बानो हो गया, वो एक प्रसिद्ध नर्तकी थी। गाइस, क्या आप जानते हैं कि मीना कुमारी के जन्म के समय उनके माता पिता जो हैं बहुत गरीबी अवस्था में थे, और उनके पिता जो है पारसी थिएटर में म्यूजिक बजाने के बावजूद भी घर को अच्छे से चला नहीं पाते थे। तो मीना कुमारी का जब जन्म हुआ, वो दूसरी संतान थी, वो लड़का चाहते थे, लेकिन जब मीना कुमारी लड़की पैदा हुई तो माता पिता जो है उसको मुस्लिम यतीम खाने के बाहर छोड़ आए, लेकिन माता ने कहा, मन नहीं माना, पिता का भी मन नहीं माना, माता के कहने पर पिता ने फिर उसे गोद में उठा लिया। और गाइस, बाल कलाकार के तौर पर बेबी मीना की पहली फिल्म फर्जदे हिंद थी। कैसा लगी ये बात गाइस, लाइक तो बनता है ना, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाद में गाइस लाल हवेली, अन्नपूर्णा, सनम, तमाशा फिल्में आईं, लेकिन 1952 में उनकी जो बैजू बावरा फिल्म आई बतौर हीरोइन, और उसने ऐसी धूम मचाई गाइस कि इस फिल्म ने मीना कुमारी को स्टार बना दिया। गाइस, इस फिल्म दौरान ही उसने निर्माता निर्देशक कमाल अमरोही के साथ निकाह करा लिया, लेकिन ये जनतक नहीं किया, केवल 5-6 लोगों तक ही ये बात सीमित थी। कमाल अमरोही के साथ शादी का किस्सा मैं आपके साथ शेयर करता हूं गाइस। शादी का किस्सा यूं हुआ कि बताते हैं कि कमाल अमरोही जी ने मीना कुमारी को जब देखा बैजू बावरा फिल्म में, तो उन्होंने अपने मैनेजर से कहा कि इसके साथ वो निकाह कराना चाहते हैं। तो मैनेजर उनका जो है मीना कुमारी के पास कमाल अमरोही जी का प्रस्ताव लेकर चला गया। पहले तो मीना कुमारी हिचकिचाई, लेकिन बाद में उनका भी जो है कमाल अमरोही से
प्रेम हो गया। लेकिन गाइस मधुबाला जी की तरह ही यहाँ भी उनके पिता जो है अली बख्श जो है इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन ये शादी हुई गाइस, लेकिन बड़ी ही रहस्यमय तरीके से हुई। बताते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग दौरान ही ये निकाह हुआ और अरेंजमेंट जो है कमाल अमरोही के मैनेजर ने एक जगह पर किया जहां पर 5-6 लोग ही थे और इनका निकाह करके फिर सेट पर लाया गया। शूटिंग के बाद घर गई, लेकिन इसने अभी बताया नहीं था। गाइस इस तरह हुआ था मीना कुमारी और कमाल अमरोही का चुपके से। गाइस यहीं से ही शुरू होती है मीना कुमारी की ट्रेजेडी जिंदगी का सफ़र। हालांकि फिल्मी सफ़र उसका सफल रहा, पैसा धन दौलत छना छन उसके पास आता रहा, लेकिन निकाह की बात सुनकर अली बख्श उसके पिता ने मीना कुमारी को घर से निकाल दिया और मीना कुमारी को जो है कमाल अमरोही के घर रहना पड़ा। हालांकि कमाल अमरोही पहले ही शादीशुदा थे, तो उनकी बीवी को जब ये पता चला था तो वो बच्चों को लेकर अमरोहा वापस चली गई थी। और गाइस ये कमाल अमरोही के घर तो रही, लेकिन बहुत बंदिशों और शर्तों के साथ बहुत ही दुख भरी जीवनी इसकी जहाँ से शुरू हुई। क्योंकि कमाल जी चाहते थे कि मीना कुमारी जो है फिल्मों में काम ना करे, लेकिन मीना कुमारी ये बात नहीं मानी, तो उन्होंने कमाल जी की शर्तों और पाबंदियों को स्वीकार कर लिया और फिल्में भी करती रही। गाइस कमाल अमरोही बा कमाल निर्माता निर्देशक थे। उन्होंने एक फिल्म पाकीज़ा शुरू की थी मीना कुमारी को लेकर। इसमें वो धर्मेंद्र को भी हीरो लेना चाह रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र जी का और मीना कुमारी के अफेयर की बातें बाहर आने के चलते उन्होंने धर्मेंद्र को रिजेक्ट कर दिया और राजकुमार को इस फिल्म में बतौर हीरो लिया था। लेकिन इस फिल्म की भी ट्रेजेडी गाइस, ये 14 साल लगे इस फिल्म को बनते बनते, बीच में आर्थिक तंगी आ गई। कमाल अमरोही की फिल्म जो है वो अधर में लटक गई, तो मीना कुमारी ने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई सारी पूंजी जो है वो कमाल अमरोही को दे दी ताकि पाकिज़ा फिल्म जो है वो रुके ना। इसी दौरान मीना कुमारी भी जो है थोड़ी सी आर्थिक तंगी में आ गई, लेकिन गाइस क्योंकि अच्छी एक्ट्रेस थी अच्छी हीरोइन थी तो उसको फिल्में मिलती गई और थोड़ी सी उसकी आर्थिकता जो है उसकी जो है नहीं रही। गाइस जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनका जो जन्म है वो 1 अगस्त 1932 को मुंबई में हुआ था। निधन की बात तक पहुंचते पहुंचते मैं और उनकी फिल्मी सफ़र जीवन सफ़र की बात करते करते मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं एक नया किस्सा कि शराब की लत जो है वो कैसे पड़ी मीना कुमारी जी को। जी हां गाइस पाकीज़ा फिल्म बनते बनते 10 से 14 साल का भी ज़्यादा समय लग गया था और अंत में रिलीज होते होते 14 साल हो चुके थे इस फिल्म को बनते बनते। इस दौरान मीना कुमारी व कमाल अमरोही में बार बार अनबन हुई। इस दौरान युवा धर्मेंद्र जो है वो भी मीना कुमारी जी के जीवन में आए। मीना कुमारी को धर्मेंद्र अच्छे लगने लगे थे तो वो निर्माता निर्देशकों को धर्मेंद्र की सिफारिश करती थी फिल्मों में लेने के लिए और खुद भी उनके साथ काम किया। इस दौरान मीना कुमारी को नींद ना आने की जो है बीमारी लग गई। गाइस नींद नहीं आने के चलते वो जब डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने थोड़ी सी ये उनको सलाह दी कि वो
सोने से पहले एक पैग ब्रांडी का ले लिया करें। एक पैग ब्रांडी ही धीरे धीरे गाइस उनकी बढ़ती गई और शराब की लत बढ़ने लगी। और ये लत गाइस इस तरह बढ़ गई कि इस दौरान वो फिल्म कर रही थी गुरुदत्त जी की साहब बीबी और गुलाम, इसमें छोटी बहू का रोल था और छोटी बहू जो है उसको शराब भी दिखाया गया था, शराब पीने की उसको आदत थी। तो मीना कुमारी ने उस करेक्टर को जीवंत करने के लिए असली जीवन में भी शराब पीना शुरू कर दिया और एक पैक से दो चार छः और बढ़ने लगे। और गाइस बताते हैं कि उनकी जो है संगत रंगत ढंगत, जिनमें एक धर्मेंद्र जी का भी नाम आता है, कि इस संगत ने ही शराब में उनको डुबो दिया था और शराब पीने की जो आदत है बढ़ती गई उनकी। और गाइस यही ज़्यादा शराब पीने की लत ही उनकी मौत का कारण बनी है, क्योंकि उनको लीवर ख़राब हो गया था और उनका लीवर ख़राब होने के चलते ही 31 मार्च 1972 को उनका देहांत हो गया था। गाइस अब अगर हम उनकी अमर मूवी पाकीज़ा की बात करें तो ये फिल्म जो है इसके लिए पहले भी मैंने बताया कि ये फिल्म आर्थिक तंगी में फंस गई थी, तो ये फिल्म जो है एक बार बंद हो गई थी गाइस। और इस दौरान गाइस काफ़ी बार कमाल जी की और बीना जी की अनबन भी हुई और एक बार तलाक की भी नौबत आ गई थी और तलाक हो गया था। गाइस बताते हैं कि पकीज़ा का रुका हुआ काम फिर सुनील दत्त और नरगिस जी ने दोबारा शुरू करवाया, और दोबारा शुरू करवाने में उनका यही रोल था कि उन्होंने मीना कुमारी और कमाल अमरोही को दोबारा मिलवाया। इसके बाद गाइस मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने दोबारा निकाह कराने का विचार बना लिया और इरादा बना लिया। तो अब मुस्लिम लॉ के मुताबिक मीना जी को हलाला में जाना पड़ना था। तो हलाला का मतलब यही है गाइस के दोबारा जिस व्यक्ति ने तलाक दिया हो मुस्लिम समाज में अपनी पत्नी को, तो वो दोबारा अगर उस पत्नी से शादी कराना चाहता था, उसकी पत्नी को एक बार किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी करके रात गुजारनी होती है और उसे छोड़कर फिर दोबारा अपने पहले पति के साथ ही निकाह करा सकती है। तो ये हलाला का जो रस्म थी मीना कुमारी जी ने जीनत अमान जी के पिता के साथ की थी, और ये बात मैंने डिटेल में जीनत अमान वाली वीडियो में बताई है। और गाइस उस वीडियो में जाकर भी ये स्टोरी को आप अच्छे से डिटेल में सुन सकते हैं। तो मैं जहाँ यही बताऊँगा कि हलाला के बाद फिर मीना कुमारी और कमाल अमरोही ने निकाह करा लिया था, और 14 साल की लंबी मशक्क़त और मेहनत के बाद पाकीज़ा फिल्म जो है वो 4 फरवरी 1972 को पर्दे पर आ सकी थी, रिलीज़ हुई थी। लेकिन गाइस ये वो समय था जब मीना कुमारी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, और 31 मार्च 1972 को 40 वर्ष की उम्र में मीना कुमारी सदैव के लिए इस संसार को छोड़कर चली गई। कैसे लगी गाइज आपको ये वीडियो? देखो लाइक करना तो बनता है, थम्स अप कर दीजिए, स्टार दे सकते हो तो दे दीजिए, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और गाइज आगे आगे और बढ़िया वीडियो लेकर आने वाला हूँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करके आई बेल आइकन को दबा लें तो आपको जो है वो और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलने वाली हैं और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब अगर गाइस हम अवार्ड्स की बात करें तो एक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1963 में फिल्म फेयर अवार्ड में 3 फिल्में जो नॉमिनेट हुई थी वो तीनों की तीनों मीना कुमारी की थी, और उनमें जो फिल्में थी वो थी साहब बीबी और गुलाम, मैं चुप रहूँगी और आरती। तीनों फिल्मों की हीरोइन मीना कुमारी ही थी गाइस। तो फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो मिला था साहब बीबी और गुलाम की छोटी बहू के किरदार को। गाइज अन्य अवार्ड्स की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, बोरिंग ना हो जाए, इसलिए मैं मीना कुमारी जी की वीडियो को 2 पार्ट्स में लेकर आने वाला हूँ। इस पार्ट्स में हम यही तक ही समाप्त करेंगे, उनके 2-3
हसीन किस्से मैंने आपको बताए, ये किस्से आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइज, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। गाइज अगली वीडियो में मैं ये लेकर आऊँगा कि धर्मेंद्र से उनका प्यार जो है कैसे स्टार्ट हुआ, क्या थी वो लव स्टोरी और क्यों धर्मेंद्र जी ने उनको मतलब छोड़ा, तड़पते छोड़ा कहते हैं लोग, लेकिन मीना कुमारी जी की तो लाइफ ही ट्रेजिक थी, उनकी जो है लाइफ क्यों ट्रेजिक थी इसको अभी और आगे हम बताएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आई थी धर्मेंद्र जी का उनके जीवन में, कैसे आना हुआ, कैसे जाना हुआ। फिल्मों की फहरिस्त भी हम बताएंगे अगले एपिसोड में, और उनके सह कलाकार किन किन हीरो के साथ उन्होंने काम किया, कैसे किया, क्या तजर्बा रहा, ये बात भी मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा। शराब की महफिल में कौन कौन जन होते थे ये भी राज मैं खोलूंगा गाइस अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बातें करेंगे, ये जानने के लिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आने की आपको जानकारी मिल सके। और गाइस इस वीडियो को यहीं करूंगा मैं समाप्त, यहीं पर समाप्त करके आपसे लूंगा इजाज़त, और अगली वीडियो में उनके गानों का भी जिक्र करेंगे, कौन से गाने मशहूर थे। पाकीज़ा के तो गाने आपके कानों में गूंज गए होंगे, लेकिन अन्य फिल्मों में कौन कौन से गाने उनके मशहूर थे ये भी बात करेंगे। अब हम चलते हैं, नई वीडियो लेकर जल्द ही हाजिर होऊंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। चढ़दी कला विच रहो दोस्तों, चढ़दी कला विच रह के ही असी अगर बीमार हैं, कहीं हम कमजोरी में हैं, किसी हम परेशानी में हैं, निकल जाएंगे और सफलता की ओर चले जाएंगे।